हे गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग स्मार्ट वॉच का। इसको स्मार्ट ब्रेसलेट भी बोला जाता है। आज की इस वाली वीडियो में मैंने ऑर्डर किया है मैवेक कंपनी के स्मार्ट वॉच का, पर बोल सकते हैं स्मार्ट ब्रेसलेट को, जिसको मैंने अमेज़ॉन से सिर्फ 500 रुपये में ऑर्डर किया है। और दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इस प्रोडक्ट को हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्स, उसी के साथ इसको सेट करेंगे, किस प्रकार से यूज़ करना है सब कुछ आज की इस वाली वीडियो में डिटेलिंग के साथ बताने वाले हैं। लास्ट में एक कंक्लूशन तो बताने ही वाली हूँ, तो ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को सबसे लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों, उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं तो बाय की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से इस प्रोडक्ट को बाय खरीद सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ पायल, आप लोग देख रहे हैं पायल टेक। तो चलिए, आज के वाला वीडियो विदाउट टाइम इसके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट का बॉक्स। इसको मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, प्रोडक्ट की जगह कुछ और ना निकले। इसके साथ हमें बिल मिला, ये प्रोडक्ट मुझे 500 रुपये में अमेज़ॉन पर मिल गया है। एंड इसके अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिल जाए, तो चलिए मैं बाहर निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल जाता है कुछ इस प्रकार का बॉक्स, एंड इस बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं मिलता है। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का है। पीछे स्पेसिफिकेशन दी गई है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हो, मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। एंड ये सारे फीचर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को भी से एक लाइक कर दीजिए। तो इसको स्मार्ट ब्रेसलेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की ट्रे में दिया गया है, एंड इसके साथ हमें डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाती है। एक QR कोड मिला है और एक छोटा सा यूज़र मैनुअल मिला है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं हम। So, दोस्तों, यहाँ पर अब नज़र डाल रहे हैं हमारे वॉच की ओर। तो ये जो वॉच है ना, इसको बड़े यहाँ पर प्रोटेक्शन लगाया गया है, लेकिन इस वॉच के ऊपर आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत स्क्रैच आया है। और ये है हमारा वॉच का बेल्ट, तो इसको कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं, आपको वहाँ पर देख जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से साइड को किस साइड में सेट करते हैं। तो ये थोड़ा ना टाइट है, तो आपको जोर लगा के करना पड़ेगा। पहले मैं भी डर रही थी शायद से कहीं टूट फूट जाए, नई घड़ी है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा, आपको थोड़ा जोर लगा के ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो वॉच है शायद से भी नहीं खुलेगी। तो इसको किस प्रकार से चार्ज करते हैं, सबसे पहले आप लोगों के पास फ़ोन का जो अडेप्टर है ना, उसके इस साइड को देखिएगा, एक जो साइड होता है उसमें ज़्यादा स्पेस होती है, उस साइड को आप लोगों को लगाना है। एंड जो छोटा हिस्सा उसमें नहीं लगाना है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है, कौन से साइड को लगाना है वो भी बता देती हूँ। हमारे वॉच के दोनों बेल्ट को निकालना है, देन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इसके अंदर लगा देना है। एंड मैंने चेक कर लिया, ये अभी भी ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें ज़रा भी चार्ज नहीं बची है। तो चलिए, मैं इसको अभी चार्ज में लगा देती हूँ। एंड यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया है, एंड यहाँ पर फिट प्रो करके लिखा आ जाएगा, एंड आपका जो वॉच है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऐप को सेट कर लेते हैं, QR कोड को स्कैन करके आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो एकदम डायरेक्टली प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में जाके आप लोग डायरेक्टली फिट प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक से किया है, QR कोड से किया है, तो चलिए मैं यहाँ पर इस ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लेती हूँ। अब ओपन करके आपको किस प्रकार से सेटअप वगैरह करना है सब कुछ दिखा देती हूँ। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी परमिशन मांगेगी आपको अलाउ कर देना है। तो हमारा जो वॉच है वो खुल चुका है, फुल चार्ज हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इसका जो टाइम है ना, वो गलत है। इसको कैसे सेट करना है, जैसे आप लोग ऐप के साथ अपने वॉच को कनेक्ट करेंगे ना, तो वैसे एकदम सब कुछ टाइम मैच हो जाएगा फ़ोन के साथ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत स्टेप चला है, तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा इजी है, बस लॉन्ग प्रेस करके रखना है। आपको यहाँ पर एक बटन दिखने को मिल जाएगा, उस बटन को लॉन्ग प्रेस कर लीजिएगा तो वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। बस दो ही होगा, और बाकी के जो वॉलपेपर है वो हमें ऐप से चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो भी परमिशन मांगेंगे आपको दे देना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको सेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर आप लोगों को दिख जाएगा बाइंड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोड फीचर, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो सर्च होगा। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, आपका जो वॉच है वो थोड़ा फ़ोन के पास ले लीजिएगा, तो जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। देन आपको थोड़ा सा वेट करना है, देन कंप्लीट सब कुछ जैसे आ जाएगा वैसे आपके फ़ोन के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर साइन अप हो जाएगी, टाइम है हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग अगर चलेंगे तो यहाँ पर भी शो होगा, उस वॉच में भी शो होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपने
फ़ोन को भी ढूंढ सकते हैं और अपने वॉच को भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपको सेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का शो होगा एंड आपका जो वॉच है वो वाइब्रेट होगा। दोस्तों वॉच के साथ जो हमें बटन मिला है उसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो वॉच है वो वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा। एंड आप लोग चाहे तो वॉच से आप लोग फ़ोन को भी ढूंढ सकते हैं। आप लोगों को मोड के अंदर जाना है, देन आप लोगों को लुकिंग फॉर के अंदर जाना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है, देन यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो रिंग करने लग जाएगा। ओके करने पर ये ढूंढना बंद कर देगा। यहाँ पर डायल सेटिंग के अंदर आप लोग जाकर वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे ये वाला वॉलपेपर पसंद आया है, यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगी एंड ये थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड आपका जो वॉच है कुछ इस प्रकार का देखने को आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर फेड प्रो करके लिखा दिखाएगा, उसके बाद आपका जो वॉलपेपर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अगर आप लोग अपना इमेज देना चाहते तो यहाँ पर चेंज द डायल के ऊपर क्लिक करके अपना इमेज सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसके बाद सिंक्रोनाइज डायल के ऊपर क्लिक कर देना है। लोडिंग होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड दोस्तों उसी के साथ यहाँ पर फेड प्रो लिखा आ जाएगा एंड आपका जो वॉलपेपर वो यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन मेरी फोटो वहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है दोस्तों, मेरा जो फोटो है वो तो यहाँ पर ठीक से दिख ही नहीं रहा है। और इस वॉच की एक ही डिसएडवांटेज मुझे लगी वो है आप लोग घर में यूज़ कर सकते हैं लेकिन बाहर अगर धूप में जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ट्रस्ट मी, आपको मतलब कहीं अंधेरा है वहाँ पर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा तभी आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आप लोग यहाँ पर जो भी वॉलपेपर यहाँ पर दिया गया है उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मैसेज पुश का ऑप्शन दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए अपने वॉच में उसको एनेबल कर लीजिएगा। जैसे मुझे कॉल का चाहिए, SMS का चाहिए और व्हाट्सएप का चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग एनेबल कर लीजिएगा। आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आप एनेबल कर लीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में फ़ोन आया है तो कुछ इस प्रकार से नंबर शो हो जाएगा। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि किसने कॉल किया है। हम अभी सबके नंबर तो याद नहीं रखते ना, तो इसी वजह से अगर यहाँ पर नेम दिखा देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप यहाँ से फ़ोन को रिसीव नहीं कर सकते, बीच वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़ोन को रिसीव या फिर कट करना होगा तो फ़ोन से ही करना पड़ेगा। फ़ोन में मैसेज आया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ चुका है, फ़ोन में भी साउंड हुआ है तो अगर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मैसेज किया है। इस प्रकार से आप लोग अपने कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। जो स्क्रीन टाइम है मैं यहाँ पर आपको चेक करवा देती हूँ, इसका जो स्क्रीन टाइम है बहुत ही ज़्यादा कम है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 5 सेकेंड भी नहीं रहते। एंड यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके आप लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड है उनको यूज़ कर सकते। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को म्यूज़िक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद अपने फ़ोन को ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। उसके बाद अपने फ़ोन में जो भी म्यूज़िक इंस्टॉल किया हुआ है उस इंस्टॉल म्यूज़िक को ऊपर जाना है, या फिर आप लोग अदर जो म्यूज़िक ऐप्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्री इंस्टॉल्ड सॉन्ग है, मैं उनके ऊपर ट्राई करने वाला हूँ। मेरे पास अभी 3-4 सॉन्ग्स है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, एक सॉन्ग आगे करने का, एक सॉन्ग पीछे करने का और मिडल का जो बटन है वो प्ले एंड पॉज का है और नीचे जो बटन है वो बैक बटन है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं तो चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पर जो सॉन्ग प्ले किया है उस सॉन्ग को मुझे यहाँ पर पॉज करना है, तो यहाँ पर पॉज वाले बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करूँगी तो पॉज हो जाएगा जैसे देख सकते हैं। और अगर मुझे इस गाने को फिर से प्ले करना है तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूँगी तो ये गाना प्ले हो जाएगा, फिर से पॉज करूँगी तो पॉज हो जाएगा। तो ऐसे मैं अगर नेक्स्ट करूँगी, मुझे नेक्स्ट गाना सुनना है तो जैसे देख सकते हैं चेंज हो चुका है। और इससे मुझे अगर अगला वाला गाना सुनना है, मतलब पिछला वाला जो सॉन्ग चल रहा था वही वाला सुनना है तो जैसे देख सकते हैं फिर से चेंज हो गया। इससे भी आगे वाला अगर सुनना है तो ये देख सकते हैं चेंज हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर वॉच की मदद से अपने फ़ोन के जो म्यूज़िक है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से बैक करना है तो नीचे जो बैक वाला बटन है ना उसके ऊपर आप लोगों को लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड जैसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे उसके बाद आप यहाँ पर इस म्यूज़िक वाले जो ऑप्शन है इस ऑप्शन से बाहर निकल जाएंगे। मोड के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्लीप मोड दिख जाएगा, आपको कितना वेदर है वो दिख जाएगा। उसके बाद कैमरे में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग कैमरा ऑन करते हैं और यहाँ से ट्राई करते हैं तो फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम करेंगे तो फिर पर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से परमिशन मांगेंगी। जब आप परमिशन दे देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा फिट प्रो के ऐप से, ठीक है। उसके बाद जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा ओपन हो चुका है, देन यहाँ से अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फोटो क्लिक हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस करना है, हमारा जो फोटो है यहाँ पर क्लिक हो चुका है। ऊपर आप लोग क्लिक करके अपनी जो फोटो है खींची हुई वो देख सकते हैं और दोस्तों उसको रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। ये सारे फीचर है, पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और मेन जो चीज़ आ जाती है यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, इसकी वजह से सब कुछ आप लोगों को ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर उस बटन को भी लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उस ऑप्शन के अंदर आप जा पाए। आप लोग अपना ब्लड प्रेशर मापना चाहते हैं तो फ़ोन के ऐप से भी कर सकते हैं, आपने बस वॉच को अपने हाथ में पहन लेना है, यहाँ पर स्टार्ट मेजरिंग कर देना है, उसके बाद
ये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले आपने जितने बार भी किया है सारे रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, अगर कहीं हमें इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए किसका मेज़र हमने किया था उसका कितना था, बट ये एकदम एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया, एक बार 78 आ रहा है, एक बार 83 आ रहा है, मतलब उस हिसाब से मुझे लगा ये एकदम एक्यूरेट नहीं है। वॉच के नीचे सेंसर है जिस वजह से ये काउंट कर लेता है एंड यहाँ पर कितने स्टेप चले बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाती है। एंड आई नो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है तो इसके लिए आई एम सॉरी, बट आपको सारी चीज़ें एक वीडियो में चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में चाहिए, तो इसी वजह से मैंने ये जो वीडियो है ज़्यादा लॉन्ग कर दिया। और मुझे लगता है ये जो वॉलपेपर है ना फ़ोन के साथ जो फर्स्ट दिया गया है यही वॉलपेपर बेस्ट है, इसके लाइट कंट्रास्ट ठीक ठाक लगे मुझे। तो ओवरऑल ये वॉच है ना ये थोड़ा मुझे ओके सा लगा एंड इसका डिटेल कंक्लूशन अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की कंक्लूशन की। सो ये जो प्रोडक्ट है मैंने जितना यूज़ किया इन हैंड तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगा था कि बाकी जो स्मार्ट ब्रेसलेट आते हैं उसकी तरह इसको भी शेक करने से इसकी जो लाइट है वो टर्न ऑन हो जाएगी, तो इस वजह से नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो मैंने शेक किया बट इसकी जो लाइट है वो टर्न ऑन नहीं हुई। बट इसका जो स्क्रीन टाइम है बहुत ही कम है एंड इसको ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पर जितने फंक्शन है इससे ज़्यादा फंक्शन आपको फिट प्रो के ऐप में मिल जाएंगे। एंड ये जो प्रोडक्ट है पहले जब मैंने इसको हाथ में पहना एंड जब मैं इसको इन हैंड फील कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इसका प्राइस कितना है, कोई देख के समझ ही नहीं सकता ये बहुत ज़्यादा कीमती है या फिर बहुत ही चीप प्राइस का है। सो उस हिसाब से मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड दोस्तों इस प्रोडक्ट को अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ करते हैं तो इसकी जो बैटरी है मिनिमम यहाँ पर एक दिन तक तो नॉनस्टॉप चलने ही वाली है। और अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा बचा बचा के यूज़ करते हैं या फिर जितनी आपकी नीड है उस हिसाब से यूज़ करते हैं ना तो मिनिमम आप लोग पकड़ के रखिए 2 से 3 दिन तक आराम से चलने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे दिखने में तो स्मार्ट लग रहा है, अब हम लोग भी स्मार्ट हो गए हैं। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे मोर इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखने के लिए। सो दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हैं। एंड वहाँ पर मैं अभी ट्राई कर रही हूँ डेली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रील वीडियो पोस्ट करने की, तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड आप लोग चाहे तो मुझे यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड दोस्तों उसी के साथ अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट देखने को मिल जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी मैं ट्विटर पर भी एक्टिव हूँ, तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप लोग ट्वीट करके मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। सो दोस्तों अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुई है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। सो दोस्तों ये जो वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।